Please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. नमस्कार जी, ये पेश रिपोर्टर, मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। ये है आपका पसंदीदा सेगमेंट पिक्चर की कमाई या पिक्चर की पिटाई। इस हफ्ते रिलीज हुई है फिल्म दबंग 3, भाई जान द दबंग। देखिए क्या है, ये धाकड़ पांडे थे एक जमाने में, फिर चुलबुल बने, जीवन में खुशी आई थी और खुशी गम देखी गई जिसकी वजह से रज्जू इनके जीवन में आई। तो चुलबुल पांडे का पास्ट जो है वो बताया जा रहा है इस फिल्म के जरिए। कहानी लिखी है सलमान खान साहब ने, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि सलमान खान साहब बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन कहानी लिखने के मामले में उनके वालिद सलीम खान से कहीं ज़्यादा आगे हैं। और फिल्म के अंदर जो है डांस बड़े अच्छे हैं, और फीमेल जितनी भी कास्ट है, साईं मांझरेकर बहुत अच्छा काम किया, बहुत इनोसेंट, बहुत प्यारी लग रही हैं वो। वाकई जब स्क्रीन पर आती हैं तो आपका मन मोह लेती हैं। सोनाक्षी सिन्हा बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और डिम्पल कपाड़िया भी ज़बरदस्त हैं। मतलब जितनी भी फीमेल कास्ट है उसने बड़ा अच्छा काम किया है। अरबाज़ खान बतौर कॉमेडियन जो है वो कमाल कर रहे हैं, ज़बरदस्त टाइमिंग है उनकी। एंड सलमान खान तो सलमान खान है साहब, वो तो सिर्फ मुस्कुरा दें या चश्मा निकाल के ऐसे करके पीछे डाल दें तो उसी में लोग वाह वाही कर जाते हैं। फिल्म के जो विलन हैं सुदीप साहब, वो भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और काम किया है उन्होंने। नज़र आते हैं स्क्रीन पर तो डर लगता है, बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है, म्यूज़िक यकीनन बहुत बढ़िया है, पर फिल्म क्या है, फिल्म पूरी तरह मसाला है। अगर इसके अंदर मुन्ना बदनाम हुआ नहीं होता, यानी कि धाकड़ पांडे की कहानी ना आती, तो आप समझ नहीं पाते कि आप दबंग 2 देख रहे हैं कि दबंग 3 देख रहे हैं, क्योंकि वही एक विलन है, वही एक पुलिस वाला है, वो रॉबिन हुड है, ये है वो है, फलाना चल रहा है। और सलमान खान जिस तरह का एक्शन कर रहे हैं उससे देख उसको देख के ये लगता है कि यार क्यों हॉलीवुड वाले जो हैं इतना पैसा खर्च करते हैं एक्शन के ऊपर, सुपर हीरो फिल्म बनाते हैं। सलमान खान तो सुपर हीरो से कम है, उससे बढ़कर है, मतलब सुपर हीरो इंस्पायर होते होंगे सलमान खान। और कुछ छोटे छोटे संदेशे दिए गए हैं इस फिल्म के जरिए कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज देना चाहिए, इस तरह का हिसाब किताब है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, पान खा के थूकना नहीं चाहिए। बड़े सटल तरीके से संदेश देने की कोशिश करी गई है, मैसेजेस जो कि बड़े लाउड एंड क्लियर हैं। बाकी ठीक है, एक्शन है, हीरो है, विलन है, पास्ट लाइफ है, तो उस लिहाज से जाके आप देख सकते हैं कि चुलबुल पांडे कैसे बने। वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप फिल्म देखना चाहें तो आप जरूर देख सकते हैं, फॉर द म्यूजिक ऑल्सो, और साईं मांझरेकर, सोनाक्षी सिन्हा एंड भाईजान सलमान खान। तो जो मुझे कहना था मैंने आपसे कह दिया है, आपको जो कहना है आप कहिए, आप हमें डांटें, हमें सुधारें, अपने कमेंट्स हम तक जरूर पहुंचाएं, सब्सक्राइब करते रहें पेशी रिपोर्टर, और भी बड़े ज़बरदस्त वीडियोस हम अपलोड करते हैं हमारे चैनल पर, उन वीडियोस को भी देखें और हमें बताएं कि वो वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नई रिलीज़ की, बड़ी निराली, बड़ी सॉलिड रिपोर्ट कार्ड हम आपके लिए लेकर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ पेशी रिपोर्टर पर।